हेलो गाइज, मैं हूँ बीरबल प्रसाद और आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वॉइस सीरीज की चौथी वीडियो। इसके पहले हम लोग तीन वीडियो कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे से किए हैं। तो अगर आप उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए और उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल जो रूल हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए गाइज, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्पेशल जो रूल था, रूल नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे रूल नंबर 6। तो देखिए, हम कुछ ऐसे बात करने वाले हैं, आपको मैं बेसिक से स्ट्रक्चर बताया था, उस स्ट्रक्चर को एक बार देखिए, ये रूल तुरंत समझ में आएंगे। 6 नंबर, उसे वह जो स्ट्रक्चर था आपको, जो पहली वीडियो में मैंने बताया था, वो था सब्जेक्ट प्लस ऑग्ज़िलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था कि ये स्ट्रक्चर आपके वॉइस के टोटल रूल्स में काम आएंगे, यानी वॉइस के हर एक तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर आपके काम आएंगे, क्योंकि आप हमेशा इसका यूज कर रहे थे। आपने देखा भी, सब्जेक्ट के बाद आप ऑग्ज़िलरी वर्ब यूज करते थे, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आज जो मैं रूल बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, मतलब कुछ स्पेशल से ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद प्री पोजिशन बाई फॉलो नहीं करते। यानी कहने का मेरा मतलब कि आप जो पैसिव वॉइस में V3 के बाद जो बाई प्री पोजिशन लिखते थे ना, उस तरह के कुछ वर्ब हैं जो बाई प्री पोजिशन नहीं लेते, वो अपना प्री पोजिशन लेते हैं, उनका एक अपना प्री पोजिशन होता है। तो उस केस में यहाँ पे बाई प्री पोजिशन नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो प्रीपोजिशन बाई नहीं लेते हैं और उनका अपना प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो पहला जो वर्ब है, आप लोग इस वर्ब के बारे में जानते हैं, पहला वर्ब है आपका नो। तो नो का V3 फॉर्म होता है नोन, तो मैं V3 फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। तो नोन के बाद अगर आप पैसिव वॉइस में कभी बाई लगाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, आपका नोन के बाद पैसिव वॉइस में टू लगाना पड़ेगा, तभी सही होगा। मैं आपके इससे एग्जाम्पल भी दूंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा ये और है, बट बहुत सारे हैं। तो दूसरा एक वर्ड है प्लीज्ड, जैसे हम बोलें प्लीज्ड, तो प्लीज्ड के बाद बाई नहीं होगा, बाई क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद हम लगाएंगे प्लीज्ड विद, ये आपका सही होगा, प्लीज्ड विद, ठीक है। तो दो वर्ब आपको बताया, तीसरा वर्ब, चलिए तीसरा वर्ब आपका है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए इंटरेस्टेड, अगर बोले तो इंटरेस्टेड, तो बताइए इंटरेस्टेड के बाद अगर आप बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस में तो ये गलत होगा, आपको लगाना पड़ेगा इन, इंटरेस्टेड इन होता है फ्रेंड्स। मैं आपको करवाऊंगा, इसका एग्जांपल भी करवाऊंगा। और आगे चलते हैं तो और सारे वर्ड्स हैं, तो उनमें से एक और वर्ड है अस्टोनिश्ड। तो जो अस्टोनिश्ड होता है इसके बाद भी बाई गलत होता है पैसिव वॉइस में, इसे हम ऐट लगाएंगे इसके साथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं एग्जांपल करवाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएंगे। और अगला वर्ड है अमेज्ड, तो अमेज्ड के बाद भी बाई, ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसीलिए मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए अमेज्ड के बाद बाई क्या होगा, गलत होगा हमारा। तो अमेज्ड के बाद हमें क्या चाहिए, अमेज्ड के बाद हमें चाहिए ऐट, अमेज्ड के बाद आपको ऐट होगा। आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बाद में याद करने के लिए। मैं जो वर्ब करवा रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इधर देख लेते हैं और सारे वर्ब क्या हैं। तो अगला वर्ब है इनवाइटेड, मैं सबको V3 में लिख रहा हूँ क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 की तो ज़रूरत पड़ती है। तो इन्वाइटेड के बाद बाई भी गलत होगा, हमें चाहिए कि इन्वाइटेड के बाद टू, यानी इन्वाइटेड के साथ टू सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं सेटिस्फाइड, ये फाइड है, सेटिस्फाइड संतुष्ट होता है, तो सेटिस्फाइड के बाद भी बाई गलत होता है, यहाँ पे सही आपका होगा, सेटिस्फाइड के साथ बीथ होगा सही। तो आप ये भी याद रखिए, मैं अंतिम में बताऊंगा कौन कौन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारा एक और वर्ब है, उसको देख लेते हैं। वो उसको कहाँ पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ज़रा ठीक से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था? हाँ, नॉक्ड। जो नॉक्ड होता है ना, धक्का या फिर शॉट लगता है कार उड़ से, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉक्ड। तो नॉक्ड के बाद प्रीपोजिशन बाई गलत होता है, इसके साथ जो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं वो लगाते हैं एट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इतने याद रखना है। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, देखिए क्या क्या याद रखना है आपको, कि नो के बाद आपको जो प्रीपोजिशन होगा, ये देखिए नो के बाद वो बाई नहीं होंगे। ठीक है, नो के बाद हमें क्या चाहिए? टू। नेक्स्ट था प्लीज के बाद भी बाई नहीं होंगे, पैसिव वॉइस में प्लीज के बाद हमें चाहिए विथ। ठीक है, उसके बाद फिर आगे अगर चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए क्या बताया था, कि इंटरेस्टेड के बाद बाई नहीं होते, इंटरेस्टेड के बाद क्या होते हैं? इन होते हैं। एस्टोनिश्ड के बाद बाई नहीं होते, उसके बाद क्या होते हैं? ऐट होते हैं। अमेज्ड के बाद पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग गलत होता है फ्रेंड्स, और सही होता है ऐट। इनवाइटेड के बाद बाई गलत होता है, टू सही होता है। सेटिस्फाइड के बाद बाई गलत होता है, विथ सही होता है। नॉक्ड के बाद बाई गलत होता है, ऐट सही होता है। आप कहेंगे सर गलत सही क्यों लिखा रहे हैं? गलत सही इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले, साफ साफ क्लियर पता चले। अब देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से वर्ब हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक नो है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर दूसरे की बात करूँ तो दूसरा सेटिस्फाइड इम्पॉर्टेंट है, और फिर और अगर किसी की बात करूँ तो नॉक्ड भी, और ये चौथा हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर पूछने का एग्जामिनर का मन होगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात आ जाती है, हमने तो पढ़ लिया कि किन के साथ बाई नहीं, कुछ स्पेशल्स वर्ब होते हैं। अब है कि इसके जब वॉयस आएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो मैं दो तीन करवा के आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है और आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं दो तीन वॉयस। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1। अगर आपको दिया हुआ है, इसका कोई रूल्स नहीं है, जो मेन रूल्स था ना, ये सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई ना, तो बाई के जगह पे ये सब लगेगा, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी सेम टू सेम उसी तरह से बनेंगे जैसे और सारे वॉइस बनते थे। जैसे सिंपल सा मैं यहाँ पे लिखा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं लिखा आई नो योर फादर, मीन्स मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। तो अगर कोई इसको कैसे बनाएगा पैसिव वॉइस, तो पहले तो मैंने बताया था यहाँ से ऑब्जेक्ट लेकर आइए, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर फादर। ठीक है, अब बताइए योर फादर, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, V1 या V5, तो मैंने क्या बताया था, V1 V5 का पैसिव वॉइस होता है इज एम आर, तो योर फादर सिंगुलर है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, तो हो जाएगा योर फादर इज, और हमें सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसी के बाद क्या चाहिए, V3, तो नो का V3 क्या हो जाएगा, नोन। और अगर इसके बाद आप बाई लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं बाई, और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस मी कर देते हैं, तो ये गलत होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाई नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखिए तो नो के बाद क्या मैंने बताया था, टू, तो हो जाएगा नोन टू मी, ये मी होगा यहाँ पे, यानी आपका पर्टिकुलर सेंटेंस हो जाएगा योर फादर इज नोन टू मी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं आप, और आप इसे बढ़िया से पूरी तसल्ली से माइंड खोल के समझ लीजिएगा। चलिए देते हैं पूजा, चलिए पूजा सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड हिम, चलिए ये है। तो आपको क्या बताया था पैसिव वॉइस बनाते समय, बेसिक से चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा सा मैं आपको एडजस्ट कर देता हूँ। देखिए तो अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ पूजा सेटिस्फाइड हीम, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे से तो ऑब्जेक्ट लाते थे, याद करिए, तो हीम का क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, और यहाँ पे देखिए ये V2 फॉर्म है, तो मैंने बताया था V2 अगर एक्टिव वॉइस में दिखेगा तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, बाज वेयर, ये मैंने ट्रिक बताया था आपको। तो सेटिस्फाइड क्या है,
बीटू ना, तो इसके लिए हम लोग बाज या बर का यूज करेंगे, तो ही के साथ तो बाज लगेगा, हमें पता है। अब देखिए जो मेन रूल था, जो वो जो मैं डायग्राम बताया था ना ऐसे घूमने वाला, उसी में चला है। तो सब्जेक्ट का यूज मैंने कर दिया, उसके बाद ऑक्जिलरी वर्ब भी यूज हो गए, और अब हमें चाहिए भी थ्री फॉर्म। तो देखिए भी थ्री फॉर्म ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो हम यहाँ पे सेटिस्फाइड कर देंगे। अब देखिए सेटिस्फाइड के बाद बाई भूल के मत लगा देना, हमने पढ़ा है सेटिस्फाइड के बाद क्या यूज करने के लिए। देखिए सेटिस्फाइड के बाद हमने बताया है विथ का प्रयोग, तो सेटिस्फाइड विथ हो जाएगा सेटिस्फाइड विथ, और यहाँ पे से आएगा तो हो जाएगा पूजा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो सही होगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुतों बार पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए अभी ही और उसे बनाइए घर पे। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को बनाइए, ऐसे मैं प्रीवियस ईयर्स भी करवाऊँगा आपके लिए। लेकिन बात यह हो जाती है कि आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मैं पूरी कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ आपके, इसलिए तो मैंने ये नियम आप कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं करता हूँ, ऐसे करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो। तो चलिए रूल नंबर 7 में चलते हैं। तो रूल नंबर 7 हमारा क्या है, तो रूल नंबर जो 7 है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने इसे अलग से रूल बना दिया है, एक्चुअली ये अलग में नहीं है। पैसिव ऑफ हु पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पैसिव ऑफ हु बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, यानी हु का पैसिव वॉइस। तो देखिए माइंड खोलिए और दम इम्तिनान से ध्यान दीजिए और यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हु का पैसिव वॉइस बोलें तो आपका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा वो आपको हु से स्टार्ट होगा। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है तो आपको ये रूल काम आएंगे। और आपके पहले तो आपको इतना याद रखना है कि एक्टिव वॉइस अगर हु से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस का उसका स्ट्रक्चर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले अगर हु लगता है तो पैसिव वॉइस में आप उसे बाई होम करेंगे। हु का पैसिव वॉइस आपको क्या लिखना है, बाई होम और प्लस ऑक्जिलरी वर्ब। ऑक्जिलरी वर्ब बोले तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब। तो आप कहिएगा सर आप इतने सारे ऑक्जिलरी वर्ब यहाँ पे यूज करेंगे, तो जिस टेंस के हिसाब से रहेगा उस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। सभी टेंस में ना हु से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑक्जिलरी वर्ब यहाँ पे जो टेंस के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो आपका बाई होम हो गया, उसके बाद हम लोग ऑक्जिलरी वर्ब, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन वाला, जो वही जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है ना, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, वही वाला यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करेंगे, जो हम बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। और उसके बाद जब हम तीसरी फॉर्म यूज करेंगे तो अगर फिर आगे का जो और कुछ रहेगा शब्द तो उसे लिखेंगे, और अगर नहीं है तो लास्ट में वो इंट्रोगेटिव है एक्चुअली, देखिए तो इंट्रोगेटिव मार्क्स देंगे। आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिखिए या ना लिखिए कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही है। अब आती है कि सर आपने तो इतना बता दिया, तो अब देखिए मैं तो इतना बताया ना आपको, तो अब देखिए इससे क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप एग्जाम्पल से ही समझ पाइएगा ठीक से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एक्टिव वॉइस का दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा हु टाउट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट में है ना, यहाँ पे देखिए भी टू है, तो कह रहा है हु टाउट यू इंग्लिश। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल रूल है, आपको समझ में आएंगे। हु जैसे ही दिखा ना एक्टिव वॉइस में तो उसको आपको कर देना है बाई होम, कुछ सोचना समझना नहीं है, हु दिखा तो पैसिव वॉइस में बाई होम कर दीजिए। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए बाई होम के बाद मैंने क्या बताया, बाई होम के बाद बताया आपको ऑक्जिलरी वर्ब, तो ऑक्जिलरी वर्ब इसी के अनुसार न होंगे। तो यहाँ पे वर्ब देखिए वर्ब है भी टू, यहाँ पे टाउट है तो भी टू फॉर्म है ना, तो भी टू का पैसिव वॉइस क्या होता है, बाज और बर, अभी आपको बताए थे ये रूल्स।
कि बाज और बर होंगे, तो ये दोनों में से कोई एक यहाँ पे यूज करेंगे। अब बात आ जाती है दोनों में से कौन यूज करेंगे, तो ये जो सब्जेक्ट बनेगा ना उसी के अनुसार यूज ना करेंगे। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट बनेगा तो इसी के अनुसार हम लोग यूज करेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, बाज होगा कि बर होगा, पहले ये बताइए। तो बर होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे हम लोग बर का यूज करेंगे, तो वाई होम बर होगा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा वेयर यू। अब हम लोग ये कर लिए, वाई होम भी कर लिया, ऑग्जिलरी वर्ब भी हमने कर लिया, और फिर ये सब्जेक्ट भी कर लिया। अब हमें चाहिए भी थ्री, तो टाउट का भी थ्री क्या होता है, टीच का एक्चुअली भी टू और भी थ्री एक ही होते हैं, तो यहाँ पे भी थ्री हमारा हो जाएगा टाउट, और नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंग्लिश। यहाँ पे हम इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। चलिए और देख लेते एग्जाम्पल, अगर आपको ये एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं वहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, क्या ले, हु रोट दिस बुक्स, चलिए ये ले लेते हैं, हु रोट दिस बुक, ठीक है ना, मतलब यह किताब किसने लिखी। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होता है लिखा हुआ हु रोट दिस बुक, तो ये भी देखिए ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में है, तो पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में तो बस वही काम करेंगे, तुरंत बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है, माइंड खोल के समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हु को पैसिव वॉइस मैंने क्या बोला था, हु जैसे दिखा तो आपको क्या लिख देना है, बाई होम लिख देना है, ठीक है, इतना तक तो आप लोगों को पता है। अब क्या करना है बता रहा हूँ, बाई होम के बाद यहाँ पे देखो, बाई होम के बाद हमें क्या चाहिए, ऑग्जिलरी वर्ब, तो ये रोट है ना, तो रोट के हिसाब से ऑग्जिलरी वर्ब क्या होंगे, दिस बुक सिंगुलर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बाज होंगे, तो यहाँ पे बाज लिखो, यहाँ पे हम लोग बाज करेंगे, ठीक है। और बाज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे ऑग्जिलरी वर्ब के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, दिस बुक है ना, तो दिस बुक यहाँ से लेके आएंगे, तो दिस बुक यहाँ पे करेंगे बाज के बाद। दिस बुक हो गया, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए भी थ्री, तो रोड का भी थ्री क्या होगा, रिटेन, रोड का भी थ्री रिटेन, तो यहाँ पे रिटेन लिखेंगे, लिख दो। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क देंगे, तो इस तरीके से आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, देखिए नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 8, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये रूल्स क्या है इसे ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है पैसिव ऑफ ड्यूल ऑब्जेक्ट, ड्यूल ऑब्जेक्ट बोले तो दो दो गो ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी अभी तक हमने जो पैसिव वॉइस सीखा उसमें एक ही ऑब्जेक्ट होता था, अगर दो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। और अब क्या है कि ऑप्शन जो मेथड आपके बोर्ड के एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग किया गया है, तो वो क्या करेगा ना कि कोई भी तरह से दे देगा, दो ऑब्जेक्ट है ना तो दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेंगे, ठीक है, तो आपके एग्जाम में कैसे भी दे देंगे, जैसे उसके मन हो गए या उसे दे देंगे, तो आपको दोनों तरीके से बनाने आना चाहिए। तो देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दो ऑब्जेक्ट है ना तो दो तरीके